हैंडिंग गेमर्स, मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं हैंडिंग गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ गेम पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे 2080 Ti बायर की, जो कि बहुत परेशान है। आप देख रहे होंगे इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी कई मीम्स बन रहे हैं 2080 Ti बायर्स के। तो ये जो मेरे पास ईमेल आया है उसमें साफ इनकी परेशानी मैं देख सकता हूं, तो इन्हें थोड़ा सा अच्छा फील कराते हैं और गलतियां क्या हुई हैं इन्हें भी बताते हैं। इस वीडियो को मैंने किसी और तरीके से बनाने की सोची थी, बट इन दी एंड डिसाइडेड कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, जो साफ साफ है वही बताऊंगा इन्हें भी और आपको भी, जिससे कि अगर गलती इनके साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। ईमेल पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। आप जानते हैं एनवीडिया की नई सीरीज लॉन्च हो चुकी है, वो बहुत अच्छी है। वो आधी कीमत पे जो है 50,000 के रेट पे वो 1,00,000 रुपए वाले कार्ड का फायदा पहुंचा रहे हैं। 2080 Ti 1,00,000 का हुआ करता था, 3070 नया लॉन्च कार्ड अब 50,000 का है, वही परफॉर्मेंस देता है, आधी कीमत पे देता है। इन्होंने 2080 Ti खरीद लिया है बिल्कुल अभी जुलाई में, तो नुकसान तो इनका हो गया है, लेकिन फिर भी ईमेल पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। नमस्ते भाई, नमस्ते, राम राम। दिस आई योगल अ काइंड हार्टेड सब्सक्राइबर ऑफ योर्स फ्रॉम वडोदरा। इन द मंथ ऑफ जुलाई आई हैड परचेज्ड अ प्रीबिल्ट पीसी फ्रॉम एसुस। अभी बात करेंगे इसके बारे में। फ्रॉम अ रिटेल आउटलेट ऑफ एसुस, I am currently using RTX 2080 Ti and अभी कुछ ही टाइम मैंने RTX 3000 सीरीज की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। I am a bit worried about my PC as it is priced over 3 lakhs and now Nvidia has destroyed all my aspirations. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मनी वेस्ट हो गई। So what should I be doing? Go for a new PC build from you or seek and upgrade to 3090 and 2021 in my current PC. Thank you. Seeking forward an eager response. अब मैं एक एक लाइन करके पहले तो मैं जवाब देना शुरू करता हूँ और आप लोगों से भी बात करता हूँ, जिससे कि आपके साथ ऐसा ना हो। इन्होंने जुलाई में परचेज किया है और पहली लाइन अगर आप देखोगे 2080 Ti के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले आप बात कर लो कि आपने प्रीबिल्ट खरीदा Asus का। मैंने इस कई वीडियोज में लगातार ये बात कही है, लगातार, कि प्रीबिल्ट आप मत खरीदो जो कंपनी आपको देती हैं। और कई बार और ताज्जुब की बात यह है कि मैं सिर्फ Asus का ही नाम ले रहा था, जबकि ज्यादातर Asus और Gigabyte या फिर ये Zotac, Corsair One, ASRock का भी एक मिनी पीसी आता है, इंटेल के भी नक्स आते हैं। मैंने साफ ये कह रखा था कि इन सभी कंपनियों के प्रीबिल्ट आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, बनाना है खुद बनाओ, वरना प्रीबिल्ट की वेबसाइट्स हैं बहुत अच्छी, बिटकार्ट, SMC के भी मैं नाम लेता रहा हूं। यानी कि मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं कि प्रीबिल्ट कितना अच्छा होता है और कौन सा वाला प्रीबिल्ट अच्छा होता है या फिर कस्टम बिल्ड पीसी अच्छा होता है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाए हैं कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप ये प्रीबिल्ट खरीद सकते हो, और कई बार बात हो चुकी है। और उन सारी बातों में अगर मैं सारी कंपनियों के नाम नहीं लेता हूं, कम से कम Asus का मैं साफ साफ नाम लेता हूं कि प्रीबिल्ट मत खरीदो आप, और तब भी आपने Asus का ही प्रीबिल्ट खरीद लिया। इस पे भी मैं और थोड़ा इसको करना चाहूंगा पोस्टमार्टम। अगर आप इस चैनल पे थे तो आपने जरूर ये सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना था, इस चैनल पे नहीं थे, नए सब्सक्राइबर हो आप और सारे वीडियो नहीं देखते हो, भाई सब लोग सारे वीडियो थोड़े ना देख सकते हैं, अपने जो भी यूट्यूबर है उसका, सारे सब्सक्राइबर सारी वीडियो नहीं देखते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर अब आपको कैसे पता चल रहा है कि 3090 जैसा ये लॉन्च हो गया है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक किसान होता है, वो उसको नॉलेज नहीं होती है, उसको उसके पास पैसे होते हैं, एक अमीर किसान है, उसने पैसे दिए, गाड़ी खरीद ली उसने, उसको नहीं पता कौन से ब्रांड होते हैं, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, किसी ने उसको कुछ समझाया, उसने ले लिया, अब वो हमेशा खुश रहेगा। आगे आने वाली उसकी कुछ BS6 इंजन आ रहा हो या फिर कुछ और नई चीजें आ रही हो, तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसने पैसे दिए, वो खुश है, अपना इग्नोरेंस इज ब्लिस, उसे कुछ नहीं पता कि नई चीजें क्या आ रही हैं, अपनी प्रोडक्ट के साथ वो खुश है, तो आप खुश क्यों नहीं हो? अब आपको कहां से पता चल रहा है कि 3090 या नई जनरेशन एनवीडिया की आ चुकी है? क्योंकि प्रीबिल्ट वगैरह, खासकर Asus वाले, जो कई बार मैंने मना किया है कि ये मत खरीदा करो, आप क्यों नहीं खरीदा करो, मैं दोबारा भी आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये आउटडेटेड सामान लगा होता है इसके अंदर, वो उन्होंने 1 साल पहले बनाए थे, 1.5 साल पहले ये मॉडल निकला था प्रीबिल्ट का Asus का, वही आपको चिपकाया जाएगा। ये प्रॉब्लम एक बार को लैपटॉप में समझ में आती है, कंप्यूटर में नहीं समझ में आती है ये बात, लेकिन वो फिर आपने गलती करी, कई बार मना किया, खासकर Asus का ही नाम लिया है मैंने, तो भी ये हुआ क्योंकि Asus का ज्यादातर नाम है प्रीबिल्ट में, कई जगह आप Amazon वगैरह पे देखते रहते हो। और आप सुनो, अभी 2080 Ti की तो मैं बाद में बात करूंगा, मैं यही आपका मॉडल देख रहा था अभी जो प्रीबिल्ट है Asus का, इसमें i9 9900K लगा हुआ है, और आप कह रहे हो मैंने जुलाई में लिया है पीसी, जुलाई में तो हम भी वीडियो बना रहे थे i9 10 900K के,
जो कि नया इंटेल का सीपीयू है, आपके i9-9900K में 8 कोर 16 थ्रेड आते हैं, जो नया आया i9-10900K उसमें 10 कोर 20 थ्रेड आते हैं, कोर क्लॉक्स भी बढ़ी हुई हैं, वो बेटर सीपीयू है। आप ये मैं नहीं कह रहा कि एएमडी लेते हैं वो, मैं उस बात में जानना चाहता, आप इंटेल पे भी हो तो बहुत अच्छे हो, आप बड़े सीपीयू खरीद रहे हो, आपकी बहुत जिंदगी अच्छी है, लेकिन आपको वो मिल सकता था जुलाई में। तो हमने वीडियो बनाया है, उससे पहले ही खबरें आ चुकी थी कि 10900K आ चुका है ऑलमोस्ट, और कई जगह तो रिलीज भी हो गया था। अगर आप डेट देखोगे 10900K की रिलीज की तो वो क्वार्टर सेकंड ही बताते हैं 2020 का, तो पहले ही आ चुका था, लेकिन आपको वो भी पता नहीं चला, आपने फिर भी i9-9900K खरीद लिया है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतने ही पैसों में आपको कोई अच्छी चीज मिलती। मैं यहाँ दूसरे लोगों से साफ साफ ये बात कहना चाहूंगा कि फिर से कहना चाहूंगा कि खासकर जो ASUS, ZOTEC, AURUS, इन सबके जो प्रीबिल्ड्स आते हैं पहले से कंपनी की तरफ से, वो आप ना खरीदो, वो आपके लिए नुकसानदायक ही होंगे, वो ऐसे कोई सस्ते होते नहीं है, और उसमें आउटडेटेड CPUs और आउटडेटेड GPUs लगे होते हैं, और उसकी प्राइस भी कोई बहुत सस्ती नहीं होती। पूरा वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप उसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि आपकी मर्जी होती है कि मैं अपने वाले जो प्रीबिल्ट मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ये बिटकार्ट SMC जैसी वेबसाइट पे, या खुद कस्टम PC बिल्ड कर रहा हूँ, उसमें मेरी मर्जी होती है कि मैं सस्ते ब्रांड के पार्ट्स लगा लूं जो कि अच्छे हैं और सस्ते हैं। अगर आप ASUS से खरीदोगे तो फिर ROG और महंगे वाले उनके जो कंपोनेंट्स हैं आपको वही मिलेंगे, वो उसके प्राइस लेंगे, आपका कभी वो सस्ता नहीं पड़ेगा। आउटडेटेड मैं प्रोडक्ट्स भी खरीदूं और सस्ता भी नहीं पड़ रहा, और भाई साहब आपके मैंने उसकी रैम वैम तो मैंने और कुछ देखी नहीं, मेरे तो CPU और GPU पे बात करने आए थे हम इस वीडियो में, मैंने CPU देख के ही मैंने खत्म करा, मैं और बुरा फील नहीं कराना चाहता आपको अपने प्रीबिल्ट के बारे में। दूसरा है कि आपने 2080 Ti खरीदा है, अब ये प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो, मीम्स बन रहे हैं इस पे कि जिन लोगों ने खरीदा उनका बहुत नुकसान हो गया, सेम वही परफॉर्मेंस आधी कीमत में मिल रही है। मीम्स आपको देखने हो, आप बस 2080 Ti मीम्स डालो, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको मजा आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं युगल की। युगल कहते हैं कि 3000 सीरीज की बुकिंग शुरू हो जाएगी और मेरा जो PC है वो 300,000 का है तो मैं परेशान हूँ। ठीक है, मेन मुद्दा यही है कि वो परेशान है, थोड़ा हर जगह इस तरह की बातें हो रही हैं और उनका 300,000 का PC है। उसके आगे एक सेंटेंस है कि नाउ NVIDIA has destroyed all my aspirations। हाँ, NVIDIA बड़ी बैड कंपनी, एक तो नए नए ये प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे लॉन्च करती है आधी कीमत पे, बड़ा बुरा। AMD भी बहुत बुरी कंपनी है, CPUs जो है एक्स्ट्रा कोर क्लॉक से ले आती है, कि इंटेल अच्छी है बस। उनका अगला सेंटेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मनी वेस्ट हो गई। मैं आपको यहाँ पे मनी की बात बताऊँ, देखो जब मैथमेटिक्स की बात होती है तो एक उन्होंने नंबर दिया है 300,000 मेरा PC, और उसके आगे एक सेंटेंस आता है मेरा मनी वेस्ट हो गया। तो लोगों को लगता है, जिन्होंने बाय किया, अपने दिमागों में भी लगता है कि मेरा 300,000 का नुकसान हुआ। जब आप बिजनेस वगैरह में होते हो या इस तरह के फैसले लेते हो इकोनॉमिक, तो आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना होता है कि आपका पैसों में नुकसान हुआ है तो कितना पैसों में नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया, उसका क्या मतलब था? अगर कहीं ट्रक पलट गया है और आपका सामान वहां पे खो गया है तो क्या आपकी दुकान में भी आग लग गई है? दुकान तो वहीं पे ही है ना, दुकान तो अभी सुरक्षित है, उसमें पुराना सामान पड़ा हुआ है ना, तो आप ये क्यों कह रहे हो मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया है? बिजनेस में नुकसान का मतलब तो फिर ये समझ में आता है अगर आप कहोगे कि पूरा सब कुछ ही तहस नहस हो गया, जितना था सब जीरो हो गया, ऐसा तो नहीं है, वो एक छोटा सा नुकसान था। और जब आदमी परेशान होता है, जब कुछ समझ में नहीं आता है, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, तो वो पूछता है कि अब मैं क्या करूं? वो क्या करूं उसे मतलब ये है कि कोई है जो मुझे थोड़ा अच्छा फील कराए, जितना मैं बुरा फील कर रहा हूं क्या मुझे कोई अच्छा फील करा सकता है? मैं आपको अच्छा फील कराऊंगा, अभी रुक जाओ, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। वैसे युगल ने भी सोल्यूशन दिए हैं, वो सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हैं, गो फॉर अ न्यू PC बिल्ड एंड अपग्रेड टू 3090 in 2021 इन माय करंट PC। देखिए युगल, मैं आपसे साफ साफ बात करना चाहूंगा, दिक्कत तो मैंने बता ही दिया आपको कि आपने प्रीबिल्ट खरीदा, वो आउटडेटेड है वगैरह वगैरह। कितने नुकसान में हो आप, ये बात कर लेते हैं। पहली बात तो आप एक रिच पर्सन हो, आई कैन अंडरस्टैंड, 300,000 का आपने PC खरीदा है। कई लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है, लोग समझते हैं जो 20,000 का PC बनाता है PC बिल्डर और जो 300,000 का बनाता है, वो लोग बिल्कुल सेम है, बस प्राइसेस की तो डिफरेंस है, नहीं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जो 20,000 वाला होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उस पे पैसे नहीं आ रहे होते हैं, वो या तो पेरेंट्स से लेता है या उसकी बहुत ही कम जमा पूंजी होती है जो उसके पास थी, इसलिए वो 20,000 का PC बनाता है, वरना वो ज्यादा का बनाता और उसके लिए अपग्रेड करने भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मेजॉरिटी जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे लोग जो 3-3 लाख के PC बना रहे होते हैं, उन पे अच्छी खासी इनकम आ रही होती है। अगर आप 300,000 इन्वेस्ट कर रहे हो एक चीज में जो कि लग्जरी वाला आइटम है, नीड वाला भी नहीं है, तो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, और मेजॉरिटी उन लोगों की होती है जिन पे दोबारा पैसे आने वाले हैं, तो वो अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसलिए जो 300,000 वाले होते हैं उनके लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं। जो 20,000 वाला है उसको ज्यादा सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि वो अपनी गलतियों का भुगतान उसे
करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अपनी गलतियों का समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 लाख वाले को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो पैसों में ही बात कर लेते हैं। आपने जो पैसों में नुकसान बताया कि 3 लाख का है और मुझे लगता है कि मेरा पैसों में नुकसान हो गया, तो आपका 3 लाख का तो नुकसान नहीं हुआ है। पैसों में ही बात कर लेते हैं कि आपका कितना नुकसान हुआ। मान लो 2080 Ti में अज्यूम कर रहा हूं कि आपका 1 लाख का, अज्यूम कर रहा हूं, उससे ज्यादा ही महंगा होगा। अब वही परफॉर्मेंस 50,000 पे मिलती है, ठीक है। आप अपने 2080 Ti की आज कीमत समझ लो 25,000, खरीद लेगा कोई ना कोई, बिल्कुल खरीद लेगा। 3070 की परफॉर्मेंस मिल रही है जो कि 50,000 का आता है, वो परफॉर्मेंस 25,000 में मिल रही है। यानी कि अगर मैं आपके ग्राफिक कार्ड की 1 लाख कीमत मानूं और आप उसे बेच लेते हो 25,000 में, तो 75,000 रुपए का आपका नुकसान हुआ है। और तो ये 75,000 का नुकसान भी 75,000 का नहीं कहलाएगा, क्योंकि डे वन से आप कार, मोबाइल या ग्राफिक कार्ड इन जैसी चीजें खरीदते हो तो उनकी प्राइस वैसे ही डाउन होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं उन सब चीजों में नहीं जा रहा, मैं मोटे मोटे ही बात कर रहा हूँ कि आपका 75,000 का नुकसान हो गया। मेरे ख्याल से अगर आप 3 लाख वाले हो तो 75,000 का नुकसान आपके लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं है। और आप जो खुद अपने आप से ये कह सकते हो कि मैं 3090 खरीदने की सोच रहा हूँ, दैट मींस यू हैव इनफ रिसोर्सेज। अब बात कर लेते हैं फिर ये गंदी फीलिंग आपके अंदर आ क्यों रही है। जब आपके पास पैसे हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, तो गंदी फीलिंग कहां से आ रही है? आपको ये ईमेल क्यों लिखना पड़ा? आप वर्ड क्यों? पीसी बिल्डर जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं, वो बड़े जजमेंटल होते हैं, वो खुद को भी जज करते हैं। क्या मैं स्टूपिड हूँ, ये गलत फैसला ले लिया मैंने? एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, आप स्टूपिड नहीं हो, आप रिच हो। रिच लोग स्टूपिड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बार बार स्टूपिडिटी कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं वो स्टूपिडिटी, जब तक वो सही सोल्यूशन पे ना पहुंच जाए। और जैसा कि आप भी कह रहे हो 3090 है, मैं 2021 में सोचूंगा लेने की, तो दैट मीन्स यू हैव इनफ मनी, आपकी प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं। और दूसरा बात ये भी सोचने वाली है, 3090 की बात चल रही है तो जरूर आप कोई हाईफाई बंदे होंगे जो 8K पे गेमिंग करना चाहता है या फिर 360 हर्ट्ज की गेमिंग करना चाहता है, उसके लिए पावर चाहिए होगी, आपको वो अल्टीमेट मजा चाहिए, तभी आप 3-3 लाख रुपए के पीसी बिल्ड्स कर रहे हो। तो बेशक आप करो, और आपके पास पैसे हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो नए ग्राफिक कार्ड में। लेकिन कुछ बातें मेरे लिए समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक सवाल तो मैंने आपसे ये उठा दिया कि प्रीबिल्ट के बारे में जब इतनी बार बात हो चुकी है, जगह जगह बात हो चुकी है, तो आपको क्यों नहीं पता था? और आपको नहीं पता था तो अब कैसे पता चल रहा है कि इस तरह के हार्डवेयर होते हैं वगैरह वगैरह, आपके साथ प्रॉब्लम हो गई है? सेम वही 2080 Ti वाली कहानी है। अगर आपको नहीं पता था कि ये कोई ग्राफिक कार्ड आने वाला है, आपने जुलाई में ही बाइंग कर ली, तो आपको अब कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वही वाला है, जो जिसको फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको कोई मतलब नहीं होता, इग्नोरेंस इज ब्लिस, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। 2080 Ti खरीदा यार, कम ऑन, अभी कुछ महीने पहले ये सबसे दुनिया का सबसे बड़े ग्राफिक कार्ड, गेमिंग ग्राफिक कार्ड में से है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस देता है। तो अब आपको इस खबरें कहां से आ रही है कि 3090 रिलीज हो गया है, 3070 हो गया है और अब आपका नुकसान हो गया है? इसलिए मैं हर किसी से कहता हूं, आपका रीजन मुझे नहीं पता योगल क्या हुआ आपके साथ, लेकिन इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि किसी फील्ड में आप जाओ, अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इस तरह की चीजें सबके साथ होती है, और कई बार कई फील्ड्स में कितना भी बता लो आप, नुकसान होता ही होता है। इसलिए युगल आप परेशान ना हो, मैं तो बहुत बड़ा होशियार हूं, मैं तो बहुत रिसर्च कर लेता हूं। क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में? होती है, कई प्रॉब्लम्स तो शुरू होती है प्रोडक्ट खरीदने के बाद। कंपनी की सर्विसेज बहुत बेकार थी, खून के आंसू रोए मैंने। जो काम 40 रुपए में सॉल्व हो सकता था, एक प्रोडक्ट सही हो सकता था 40 रुपए में, उसके लिए मुझे कई बार फोन घुमाने पड़े हैं 6 महीने तक। मेरा टाइम कीमती है, मुझे स्ट्रेस लेना पड़ रहा है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। 40 रुपए में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन मुझे बार बार फोन लड़ाने पड़ रहे हैं। मैं तो होशियार हूं, मुझे क्यों करना पड़ा? तो होता सबके साथ है, उसमें आप कोई प्रॉब्लम मत लो। लेकिन बाकियों से मैं कहना चाहूंगा, आप जितना अपने आप को एजुकेट कर सकते हो उतना करो। कार लेने जा रहे हो तो आप जानो कि टाटा की क्वालिटी अच्छी होती है, मारुति की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है। और अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है, मारुति की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, टाटा की क्वालिटी अच्छी होती है वगैरह वगैरह, आपको ये सब चीजें नहीं पता है, तो फिर बाद में क्यों पता चलती हैं आपको जब आप प्रोडक्ट ले लेते हो? क्यों? क्योंकि कई लोग आते हैं तब नेता बनके। मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं। एक बार को चलो मैंने बेकार चीज ले ली, लेकिन कई लोग फिर दोबारा आते हैं फील कराने के लिए। जैसे एक तो मीम्स बन रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। दूसरा, कई लोग होते हैं जो इस वो वाला चोगा पहन के आते हैं, वो वाला भेस पहन के आते हैं कि हम तो मददगार हैं तुम्हारे। वो हंसी उड़ाने ही आते हैं, मोस्टली परेशान करने ही आते हैं, मदद करने नहीं आते हैं। मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि एक दोस्त होता है हमें से, जो आप नई मोटरसाइकिल लेके आते हो, मनहूसियत फैलाता है कि इतनी कीमत में तो यार डिस्क ब्रेक भी मिल जाते, तेरे को सेल्फ स्टार्ट भी मिल जाता, यार अब नई चीज आई है सेलिब्रेट कर लेंगे। तू पहले मनहूसियत फैला लेंगे, बेकार चीज है, मैं क्या करूं तेरे साथ, रहूं क्या करूं। बाकी दोस्त भी कहते हैं कि भाई मुंह बंद कर ले, क्या कर रहा, पार्टी लेने दे इस टाइम पे, वो दुखी होगा तो पार्टी और नहीं देगा। लेकिन होता है एक दोस्त के डिस्क ब्रेक भी मिल जाते, सेल्फ भी मिल जाता इतनी कीमत पे। और तो और, इस दोस्त से आप ये पूछो कि भाई तू था कहां, अगर तू कहता और दिखाता तो मैं मानता नहीं क्या?
अगर मैं नहीं मानता तो कोई फैसला होता उसके पीछे, तूने ना कहा था और अब तू नेता बन रहा है आके कि मैंने तो कहा था, मैंने तो बताया था, कुछ नहीं कहा था किसी ने, किसी ने कुछ नहीं बताया था। मैं आपको बता रहा हूं, किसी को नहीं कंफर्म होता है कि ये ग्राफिक कार्ड कब आने वाले हैं। अगर आप मेरे से 6 महीने पहले पूछते तो मैं आपको 2080 Ti सजेस्ट करता। तो जितना नुकसान 6 महीने पहले वाले का हुआ है उतना ही आपका भी नुकसान हुआ है। भाई 6 महीने वाले ने भी तो 2080 Ti लिया था, बस वो ये है कि आपने जुलाई में लिया है, उसने फरवरी वगैरह में लिया होगा, तो 4-4 महीने का अंतर हो रहा होगा उसके नुकसान में और आपके नुकसान में। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और मुझे भी थोड़ा खराब लगता है जब कुछ हो जाता है ना, कई लोग होते हैं जब कुछ गलत हो जाता है तो बड़ी तेजी से आते हैं कि भाई मैंने तो कहा था, मैंने तो बताया था। आप कैसे बता पाओगे? कोई डेट थी ही नहीं, कोई डेट थी, लीक्स आती है, लीक से कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है वो लॉन्च 2 महीने और टल जाती, फिर अगर आप मार्च अप्रैल में खरीदा होता आपने 2080 Ti तो भी जस्टिफाइड होता। 6-6 महीने वेट कौन करता है भाई, 6-6 महीने वेट कौन करता है? 6-6 महीने वेट वो करते हैं जिनके पास फिलहाल पैसे नहीं है। 6 महीने वेट वो नहीं करता जिसके पास पैसे हैं। खासकर जैसे आपको 3 लाख का बजट है तो आपको अगर आज चाहिए तो आज ही चाहिए, 6 महीने कैसे वेट कर लोगे आप? कोई आपके पास पुराना पीसी होगा या फिर पीसी होगा ही नहीं, 6 महीने कैसे वेट कर लोगे? और फिर अगर आप कहते हो कि मैं वेट कर सकता हूं, फिर आप शायद 8 महीने भी वेट कर सकते हो, है नहीं? कई लोग तो फिर कहेंगे कि मैं तो 1 साल भी कर सकता हूं, तो फिर तो 2 साल कर लो आप और फिर एक और नई जनरेशन ले लो। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग अगर आपकी हंसी भी उड़ा रहे हैं और या फिर ये कह रहे हैं कि हमने तो बताया था, कई लोग होते हैं दोस्तों में ही कोई ना कोई होता हमने तो बताया था, तो आप उनसे कहोगे भाई तुमने नहीं बताया था और ये प्रॉब्लम है भी नहीं, मैं 3 लाख वाला हूं, ठीक है, हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अभी आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है, 2080 Ti का बेकार चीज होती है क्या? बहुत अच्छी गेमिंग करवाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास सबसे बड़ी जो सोल्यूशन है वो ये है, सबसे बड़ा सोल्यूशन पैसा। पैसा है आपके पास, अगले साल आप नया ग्राफिक कार्ड खरीदो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन बाकियों के लिए मैं कह रहा हूं, आप लोगों को एक पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हम पीसी बिल्डर्स हम 1000-1000 रुपए के लिए लड़ लेते हैं, 500 रुपए के लिए लड़ लेते हैं, हम क्या नुकसान नहीं होना चाहिए? तो आप अगर इतने ही जागरूक हो और आप 500 रुपए का भी नुकसान नहीं होने देना चाहते हो तो कम्युनिटी में रहा करो और अपने आप को एजुकेटेड रखा करो आप। ये तो खैर ब्लंडर था एक मंझे हुए पीसी बिल्डर के लिए जो पहले से, जैसे कई लोग हो आप में से जिसके जिन्होंने पीसी बिल्डिंग किया लेकिन 2 साल से हो, क्या आपसे ऐसी गलती हो सकती है? क्या आप एसुस का प्रीबिल्ट ले लो, हो सकती है आपसे ऐसी गलती? जुलाई में आप लो और आपको ये ना पता हो कि इंटेल की नई जनरेशन आ चुकी है, जुलाई में आप लो और आपको ये ना पता हो कि एनवीडिया की नई जनरेशन आने वाली है, ऐसी गलती आपसे हो सकती है? मेजोरिटी की नहीं हो सकती, तो ब्लंडर ही है। लेकिन कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, ये ब्लंडर उनके लिए नहीं है। आप इतने पीसी बिल्डर, इतने बड़े वो पीसी एंथुजियास्ट नहीं थे कि आप सब कुछ जानो। देन इट्स ओके, पैसा सब चीजें प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो मनहूसियत फैलाने वालों से आप दूर रहें, जैसा कि मैं भी हूं। अगर आपसे कह रहा हूं कि 9900K क्यों लिया है, वो 10900K ले सकते थे, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। जब सामान ले लिया है तो फिर ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। आप खुश रहें जो आपने खरीदा है, आपके पास 3 लाख का पीसी है, नेवर फॉरगेट। अगर आपने पिछले 3 सालों में भी 3 लाख का पीसी लिया है तो आप एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से बहुत आगे हैं। यहाँ कई लोग जो हैं अभी इसी कम्युनिटी में 20,000 के पीसी पे सेटिस्फाइड हैं। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो बनाएंगे 20,000 का पीसी, वो 20,000 का पीसी भी नहीं पा पा रहे हैं। तो उन लोगों से आपकी बहुत सिचुएशन अच्छी है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ ये कोई बात नहीं होती है। अगर किसी के पास पेट है, जो अमीर आदमी है उसको भी उतना ही दर्द होता है जब उसका पेट मर जाता है जितना एक गरीब आदमी को होता है या मिडिल क्लास वाले को होता है जब उसका पेट मर जाता है। दोनों के अपने अपने दुख होते हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी को दुख कम फील होता है। तो अमीर आदमी का अपना नुकसान होता है, गरीब आदमी का अपना नुकसान होता है, मिडिल क्लास आदमी का अपना नुकसान होता है, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको लगता हो ना कि आईजी ये तो ना इंसाफी है, अभी तुम इस वीडियो में कह रहे हो कि पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो जो बेचारा 20,000 वाला है जो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता, अगर उसके साथ ऐसा हो जाता तो उसकी तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है। देखो आप एक बात समझो, नाइंसाफी तो इस दुनिया में है, मैं आपको पहले बता दूं। याद रखो आप एक बात, इंसान ने चांद पे जाना तो सीख लिया है, चांद पे कैसे पहुंचते हैं ये सीख लिया है, अपने रिसोर्सेज पैसा खाना बराबर कैसे बांट रहे हैं ये नहीं सीख पाए। तो वो न्याय अन्याय की आप बात मत करो। और अगर आपको न्याय अन्याय जानना है ना, तो आपको न्याय तभी मिलेगा जब आप खुद को एजुकेट करोगे। तो खुद को एजुकेटेड रखो, खासकर वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज कम है। जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं उन्हें इतना एजुकेट होने की जरूरत नहीं है, जरूरत तो उन्हें भी है, वो तो अपने पैशनेटली आते हैं। ज्यादातर हम लोग जो पैसे की वजह से नहीं आए, हम लोगों को पैशन है इसलिए आए। उन लोगों का क्या है जिन्होंने पीसी बिल्ड बना लिया फिर भी चैनल पे हैं,
वो लोग क्यों हैं? वो सिर्फ पैशन की वजह से हैं, पैसों की वजह से नहीं। बाय द वे, क्या आपकी जिंदगी में भी कई लोग ऐसे हैं जो कहते हो कि भाई हमने तो कहा था, हमारी सुनी नहीं? तो अगर ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं तो उनके बारे में कमेंट्स में लिखिए। और दूसरा, मैंने तो अपने व्यूज बता दिए, जो एक 2080 Ti बायर थे योगल, उनसे जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आप भी कुछ कहना चाहते हो योगल से तो कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं चैनल। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।